सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पुनीत व्लॉग्स एंड एंटरटेनमेंट पे। तो भाई एक और नए व्लॉग में स्वागत है, और वो देखो शैली शैली। ये देखो भाई शैली को लगी भूख और ये चला गया मम्मी के पास, और मम्मी ने इसको एक मार दिया। क्या हो गया मम्मी? हो भूखा हो गया। देखो मम्मी कही मम्मी को दौर घूमता रहेगा बस, असरार्थ करेगा ये शैली। हाँ देखो थोड़ा सा हाथ मारते ही, थोड़ा सा हाथ मारते ही गुस्सा आ जाएगा। इतना है के लाग रही मम्मी जी, नहीं बताओ आप लाग रही है। के मांगना है यो, दूध या रोटी? दूध चाहिए। रोटी को नहीं खाओ, सुबह सुबह है खाली दूध पिया करे हो शैली। ओ चप्पल दे दे मेरी, दे जल्दी दे दे बेटा। हेलो, आज का व्लॉग हमारा इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो सुबह के बज चुके हैं 7:25 और शैली कर रहा है शरारत। मम्मी और सुनाओ क्या हाल है? गुड मॉर्निंग तो कर दो। गुड मॉर्निंग। तो भाई अभी अभी स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं, अभी जा रहे हैं 5 मिनट के बाद स्कूल में। और वो सारा कुछ गिरा दिया, देख लो सारा सोफे के ऊपर जो चादर वगैरह भी सारे की भाई आज है 9 मई, यानी कि आज है महाराणा प्रताप जयंती। तो भाई मम्मी ने आज मेरे को जाने नहीं दिया। मम्मी जी क्यों ना जान दिया? बताओ ये बताओ, मैंने बताई तेरी रोज तीसरे दिन की छुट्टी मारा, मैंने शुरू में बता दिया था उस दिन अगर बिना रीजन की कोई छुट्टी नहीं होगी। तो आज के रीजन था मतलब कि आज तेरे मम्मी जान दे, मैंने पहली बार जाऊं था। मैं तेरा हर चीज पहली बार है, वो मैं कभी गया उससे पहले। तो लो भाई मम्मी ने तो जाने दिया नहीं। मैं मम्मी पहले तो मम्मी ने हां भर दी और आज जाने नहीं दिया शैली। और भाई चलो अभी स्कूल में चलते हैं और फिर स्कूल से आने के बाद मिलते हैं। तो भाई तो अभी अभी जस्ट नहीं मतलब कि 15-20 मिनट हो गए स्कूल से आए हुए। और क्या नाम है, ये देखो शैली हमारा पीछे बैठा है। और भाई अभी खाना वगैरह भी नहीं खाया, मतलब कि स्कूल की ड्रेस भी नहीं उतारी। मैं आके सीधा लेट गया भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि भाई जो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है भाई तगड़ी वाली। तो अभी थोड़ी देर सोऊंगा और फिर शाम को देखते क्या करना है, क्योंकि भाई अभी है 3 दिन की छुट्टी, फ्राइडे की, सैटरडे की और संडे की तो होती है भाई लगती, यानी कि 3 दिन की छुट्टी भाई पूरे 3 दिन। तो देखते क्या करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले तो खाना खा लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ थोड़ी देर, फिर उठूँगा शाम को 5 बजे या फिर पता नहीं 5:30 बजे उठूँगा, फिर जाऊँगा थोड़ी देर घूमने के लिए। और भाई थोड़ा सा देखो हाथ, देखो भाई मतलब कि पहले इससे ज़्यादा नहीं मुड़ता था, अभी देखो अभी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दर्द रह गया, मतलब कि होता है थोड़ा थोड़ा पर इतना नहीं होता जितना पहले होता था, मतलब कि मामूली सा दर्द रह गया। तो वो भी चलो हो जाएगा, दो दिन भी नहीं यार, मतलब कि कल या परसों तक हो जाएगा पूरा ठीक। और चलो तो भाई शैली ओ, तो चलो भाई मैं खाना वगैरह खा लेता हूँ और फिर सो के फिर आपको उठने के बाद मिलता हूँ। तो भाई तो फाइनली नहा के आ चुका हूँ, नहा के आ चुका हूँ। भाई आप लोग सोच रहे हो भाई इतनी जल्दी अभी क्यों नहा लिए, अभी के नहा के क्या किया? तो भाई पहले बता रहा हूँ भाई 4 बज गए मतलब कि, और मेरे को नींद आई नहीं भाई। खाना वगैरह तो खा लिया था मैंने पर नींद नहीं आई। और भाई गर्मी इतनी ज़्यादा भाई, इतनी ज़्यादा मतलब कि कहते हो उतनी ज़्यादा भाई, मेरे को पसीने आ रहे। कूलर वगैरह देखो अभी चला रहा है, कूलर भी चला रखा था, पंखा भी चल रहा है, और एसी तो अभी बंद कर दी थोड़ी देर पहले ही, वो रही एसी तो भाई थोड़ी देर पहले बंद कर दी थी वो। भाई बहुत बुरे वाले पसीने आने लग रहे थे भाई, बहुत बुरे वाले भाई साहब। मैंने आखिर में भाई नहा लिया, अभी जस्ट नहा के निकला ही हूँ। देखो अभी भी पानी टपक ही रहा है, देखो आते में पानी भी आ रहा है, अभी जस्ट नहा के आया हूँ भाई। इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है भाई, आप लोग टाइम देखो 4:10 हुई है, और अगर बाहर का अगर मौसम दिखाओ ना भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। ओ तेरे को गर्मी ना लगती? हाँ भाई मेरे को एक बात कहनी थी भाई, मेरे को आज बहुत बुरा लगा, क्योंकि पता है क्यों भाई, मैंने पहली बार सोची थी कि भाई मैं पहली बार महाराणा प्रताप जयंती बजाऊंगा भाई। तो मैंने मम्मी से पूछी थी भाई, मम्मी ने तब भी मेरे को हाँ कह दी थी, लेकिन भाई फिर मम्मी ने उस टाइम तो हाँ कर दी। पर आज 9 मई है जैसा कि आप लोगों को पता होगा भाई, वैसे व्लॉग तो कल आएगा, तो आप लोग तो कहाँ पे, तो भाई तुम
वरना भाई मैं आपको दिखाता भाई कसम से भाई बहुत धूमधाम से मना, मतलब मजा आ जाता है भाई कसम से। मैंने जब वीडियो में देखता हूँ ना भाई, मतलब कि ऐसा भाई लगता है कि सच में चला जाऊँ भाई, ऐसा लगता है। और जैसे कि मम्मी से मैंने आपको सुबह बात भी करवाई थी कि भाई मम्मी क्या कह रही थी, तो मम्मी बोली कि भाई अभी छुट्टी नहीं मारने दूंगी, ये वो। तो भाई मम्मी ने जाने नहीं दिया भाई। मम्मी को मैंने पहले भी कही थी कि मम्मी जी मैं तो अब की बार जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि भाई पिछली तीन चार बार से कह के आ रहा हूँ भाई कि मैं जाऊंगा, लेकिन मम्मी भाई हर बार मेरे को जाने नहीं देती। लेकिन भाई कोई नहीं, अगली बार पूरी कोशिश रहेगी भाई, मतलब कि 100% जाऊँगा भाई, 100%। कुछ भी हो जाए अगली बार दिखाऊंगा कि आपको भाई यहाँ पे महाराणा प्रताप जयंती कैसी होती है। और ये देखो यार पता नहीं क्या आ गया इधर। ठीक है भाई, तो मेरा भाई आप लोगों से ये प्रॉमिस है भाई, मैं अगली बार आपको महाराणा प्रताप जयंती जरूर से जरूर दिखाऊंगा भाई। तो अभी मतलब कि शाम के बज चुके हैं 5 और मैं जा रहा हूँ अभी, पहले रनिंग करने जाऊंगा थोड़ी सी और फिर जाऊंगा जिम में। तो भाई तो अभी जिम करके तो मैं आ गया, लेकिन भाई आपको एक चीज दिखाऊं, मैं अपने लिए एक फ़ोन देखने लेके आया था, मतलब कि फ़ोन देखने नहीं आया था, मतलब कि एक ट्रेड फेयर लगा हुआ है भिवानी में, तो वो देखने आया था। तो मतलब कि अभी ट्रेड फेयर आपको दिखाऊं, बैक कैमरा करने दो। देखो भाई ट्रेड फेयर इधर, ये देखो यहाँ से है पहले एंट्रेंस, ठीक है। और ये देखो भाई कितने सारे तो झूले लगे हुए भाई इधर, एक ये है भाई इधर, पर अभी ये बंद है थोड़ा, वो अभी काम कर रहा है। तो देखते हैं भाई अंदर एंट्री है या नहीं है, पहले बार जाके देखते हैं। और मेरे साथ आया भाई आकाश, वो देखो आहा भाई हमारा ट्रेड फेयर में हो गया पोपट, मतलब कि भाई अंदर गए तो हमारी जेब में तो भाई एक भी पैसा ही नहीं था, और पैसा नहीं था तो भाई गए तो वहाँ पे जाके देखा तो बाहर पोस्टर लगा हुआ था कि मतलब कि 3 साल से ऊपर बच्चे के लगेगी भाई टिकट, यानी कि भाई हमारे पास एक भी पैसा था नहीं, तो भाई 30 रुपये की टिकट थी और भाई बाहर से देख के वापस आना पड़ गया भाई, बुरे वाला पोपट हो गया। मतलब कहते ना ट्रेन फेयर देखने गए और पोपट हो गया भाई बढ़िया वाला। लेकिन भाई कल नहीं तो परसों जाऊंगा मैं ट्रेन फेयर देखने जाऊंगा एक बार, मतलब कल तो फ्राइडे है, कल तो शायद परशुराम जयंती, तो भाई शायद कल नहीं जाऊँगा, परसों चलता हूँ, परसों जाऊँगा, परसों दिखाता हूँ आपको भाई ट्रेड फेयर अंदर से कैसा है, ठीक है। तो भाई अभी तो मैं आज तो देखो रोड पे हूँ अभी भी, तो आकाश को तो मैंने घर पे ड्रॉप कर दिया, तो वो अभी मैं जा रहा हूँ खेत में। लो भाई अभी जस्ट खेत में आया था, देखो पीछे होटल ही है अपना, और अभी मैं जा रहा हूँ सूरज के साथ मतलब कि मोटर ऑन करने के लिए। बंद है ऑन करने जाओ, है ऑन करने जाओ भाई चालू। और सुना क्या हाल है, तो पीछे देख तो बोल क्या हाल है। बस बढ़िया, वो तेरा पिल्ला तो दिखा दे, ला भाई देख लो भाई सूरज ने नया पिल्ला पाया है होटल खातर, है ना रे। कौन सी ब्रीड का लिया, कौन सी नस्ल है, देसी नस्ल है, देसी कोई ना। देखो भाई अभी मतलब कि अभी फसल कटी थी, गेहूं कटे थे, और अभी बांध होके भाई देखो फिर से पानी लगने लग गया भाई खेतों में पूरा, मतलब कि देखो भाई एक नंबर का व्यू है भाई इधर। तो भाई तो अभी जस्ट मैं आया हूँ क्रिकेट खेल के, मतलब कि इधर ही खेल रहे थे ग्राउंड में थोड़ा टाइम पास के लिए, और हालत आप देख ही सकते हो भाई, पसीना फिर से आने लग गया भाई देखो, मतलब कि यार बाल देखो चिपने लग जाते हैं, पसीने में बुरी वाली हालत हो जाती है। घर पे जाके फिर से नहाऊंगा, यानी कि आज पूरे दिन में मैं नहाऊंगा, तीसरी बार नहाऊंगा भाई पूरे दिन में, पूरी तीसरी बार। तो भाई देखो शाम के तो अभी अगर टाइम देखा जाए तो टाइम हो गया 7:15, और भाई अगर सर्दियों में अगर ये टाइम देखा जाए ना भाई 7:15 बजे, तो भाई खाना वगैरह खा के हम लोग बिस्तर भाई बिछा लेते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं तब तक तो। और अभी देखो भाई खेल रहे हैं, और अब मौसम देखो अभी भी थोड़ी सी थोड़ी सी धूप रहती है अभी थोड़ी थोड़ी। तो चलो भाई अभी थोड़ी देर में मैं चलता हूँ घर पे। तो भाई तो अभी थोड़ी देर पहले मैं 15-20 मिनट पहले ही घर पे आया था, तो मैंने पहले तो शैली को नहला दिया, नहाते ही मैंने जैसे आपको बताया था इसमें छा जाती मस्ती छाते भाई साहब पकड़ेंगे चूया, तो चूया भाई साहब पकड़ रहा है और मैं भी भाई नहा लिया हूँ अभी जस्ट। मैंने पूजा भी कर दी साथ में, नहाने के बाद ही पूजा करता हूँ मैं भी भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा मतलब कि जो ना भाई हद होती ना यार गर्मी की, वो सब कुछ लेवल क्रॉस कर चुकी भाई गर्मी। और अभी पता है मई चल रही भाई, अभी जून जुलाई तो बाकी है भाई अभी, मतलब कि उसमें सोचो भाई क्या क्या हो, तो कितनी गर्मी होगी भाई। अभी से इतना बुरा हाल हो गया भाई, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया भाई। कम से कम आज आपने देखा होगा भाई अभी तीसरी बार ना आया हूँ मैं, सुबह ना आया, दोपहर में स्कूल से आते ना आया, और अभी ना आया हूँ। ये देखो भाई अपनी रानी, मतलब कि अभी थोड़ी धूल में देखो गंदी हो गई, मेरे को भी 3-4 दिन हो गए इसको चलाए हुए,
तो भाई इसको भी थोड़ा ठीक करवाएंगे। और ये देखो भाई इसका, ये मैंने सेट करवाया था थोड़ा, पर ये भाई थोड़ा टूट गया। पता है क्यों? मैं थोड़ा स्टंट मारा था इससे, मैंने आगे से उठाई थी थोड़ी सी, तो उसमें क्या हुआ, जो पीछे मेरे आकाश बैठा हुआ था तो उसमें भाई उसका वजन इस पर गिरा तो ये टूट गया। तो वैसे भी ये नया डल देगा अभी, इसमें पहले भी टूट गया था ये, तो मैंने मिस्त्री से जाके ठीक करवा लिया था। लेकिन अब ये मतलब कि यहाँ से देखो इसका जो पूरा पीछे वाला होता है ये सारा टूट गया इसका, तो अभी ये नया डलेगा, इसको बाद में डलाएंगे। और टायर देखो भाई, अपना नया टायर है, जैसा कि मतलब कि सेकेंड हैंड टायर है मैंने लिया था, ठीक है। और देखो भाई मतलब कि और तो मेरे को धुलानी है बस ये। ओ भाई, ओ ए भाई, बहुत सारी आज इसके ठिकाने दिखाता हूँ। चलो मैं आपको सबसे पहले यही ठिकाना देख लो भाई इसका, सबसे पहले ये दूसरा ठिकाना यहाँ पे है भाई इसका, तीसरा ठिकाना देखो भाई, इसकी जगह पे हमने तकिया लगा दिया क्योंकि भाई ये बार हालत दिखाए ना इसकी, देखना क्या कर दिया इसने, देखना भाई, ठीक है। तो भाई इसको तो इधर ही लगा देता हूँ वापिस, नहीं तो भाई अगर इसको पता चल गया ना कि तकिया हटा दिया मैंने तो भाई बुरा वाला हालत कर देगा इसकी। चौथा ठिकाना भाई इसका ये है, और ये देखो यहाँ पे भी इसने तोड़ा फोड़ी शुरू कर दी है। चौथा ठिकाना भाई ये इसका देखो वाला ठिकाना इधर है, या तो इधर मुंह देगा या फिर इधर मुंह दे देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेवंथ, ये इसका ठिकाना भाई, हमारा शैली बन गया गैंगस्टर। मतलब कि गैंगस्टर के भी इतने ठिकाने नहीं होते जितने हमारी शैली के ठिकाने भाई। वो देखो अभी अपने दूसरे ठिकाने पे जाएगा। अभी इसको देखना क्या मिला इस शैली। हाँ, ठिकाने पे जाने की तैयारी कर रहा है, देख लो, देख इधर देख। तो भाई चलो, और मम्मी ने भाई आज खाने में तो कुछ स्पेशल बनाया नहीं है, तो डाइटिंग पे है मैं भाई, मैं भी थोड़ा तो मैं कह देता हूँ कि शाम को खाना ना बनाओ। शाम को वैसे भी यार कोई खाता नहीं है वैसे, दूध दूध पी के, और मतलब कि मम्मी भी नहीं शाम को खाती, मम्मी भी कंट्रोल करती है डाइटिंग पे। यशिका भी कभी कभार खा लेती है तो वो बता देती है। मम्मी ने बनाया भाई मीठा दलिया, तो मतलब कि दलिया खा लेते हैं रात को, तो भाई मस्त बनाती मम्मी दलिया। देखो भाई एक और ठिकाना ढूंढ लिया, शैले माना कौन तू भाई। तो मम्मी खाना भी ले आई है, तभी खाना वाला खा लेते हैं और फिर बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए।